हैरिस किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सूरत की मशहूर और फेमस रेसिपी मधी की खमनी। वो घर पे किस प्रकार बनाई जाती है और उनमें क्या क्या सामान चाहिए और किस प्रकार बनती है, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैंने चने की दाल ली है। इसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि मैं हाथों की मदद से किस प्रकार तोड़ के दिखा रही हूँ। ये हमारी भिगोई हुई दाल है। इधर मैंने एक मिक्सी जार लिया हुआ है। ये मिक्सी जार में हम सारी चने की दाल को हम डाल देंगे और उसे फाइन पेस्ट में हमें बनाना है। एकदम फाइन पेस्ट हमें चाहिए। उसी प्रकार हमें इसे मिक्सी में पीस लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने चने की दाल को फाइन पीस लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ हाथों की मदद से कि हमारी दाल इतनी फाइन पीसी हुई है। हमें इसी प्रकार की पीस लेना है दाल को। अब इधर मैंने एक पैन लिया हुआ है। पैन में करीब 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल में डालूंगी। हम मधी की खमनी बना रहे हैं तो इसमें ऑयल का यूज़ ज़्यादा ही होता है, पर मैं चाहती हूँ कि ये कम ऑयल में बने, इसलिए मैंने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून ही ऑयल डाला है। साथ में मैंने इधर 1 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड डाला हुआ है। जो राई आती है वो मैंने डाली हुई है और साथ में 1 टीस्पून के करीब मैंने हींग डाली है। राई और हींग को थोड़ी देर पकाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 टेबलस्पून के करीब पीसी हुई गार्लिक। आप गार्लिक की पेस्ट भी ले सकते हैं। इधर मैं 2 टेबलस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ। इसे थोड़ी देर पकाने के बाद मैं अब इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब जिंजर की पेस्ट। अगर आप ये अलग नहीं डालना चाहते हैं तो अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक की पेस्ट हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये मैंने अभी जिंजर की पेस्ट डाली हुई है। उसे भी थोड़ी देर के लिए सॉटे करने के बाद, हमें बहुत नहीं पकानी है, सिर्फ थोड़ा सा ही तेल में ऑयल में पक जाए उस देर तक ही हमें पकाना है। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्च की पेस्ट। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। मैंने इधर 2 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्च की पेस्ट डाली हुई है और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को बराबर से मिक्स करके और पका के अब इसमें हम डालने वाले हैं जो हमने चना की दाल का पेस्ट जो मिक्सी में पीसा हुआ था ना, वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हमें चने की दाल को पीसने के टाइम हमें उसमें ज़रा सा भी पानी का यूज़ नहीं करना है। अगर आप उस टाइम पर पानी डालते हैं तो हम जब पकाते हैं चना की दाल को मसाले के साथ तो वो पकने में देर लग जाती है। इसलिए अगर आप हो सके तो पानी उसमें बिल्कुल भी ऐड ना कीजिएगा। अब मैं सारे मसाले को और चना की दाल के जो बेसन मैंने बनाया हुआ था उन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है। अब साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मिल्क। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ही हमें मिल्क डालना है और मिल्क के साथ हमें थोड़ी देर पकाना है। थोड़ी देर पकने के बाद अब मैं इसका ढक्कन मैं बंद कर दूंगी पैन का, जिससे वो थोड़ी पक जाए। दो मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो आपको बहुत गाढ़ा लग रहा है और सूखा भी लग रहा है, तो इसमें मैं फिर से 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें मिल्क डाल रही हूँ और फिर से मैं इसको स्पैचुला से हलाते हुए बराबर से मिक्स करते हुए फिर से ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही स्लो गैस पे मैं इसे पकाऊंगी।
ये प्रोसेस को हमें लगभग 4 से 5 बार करना है। ये मैं 5वीं बार भी मैं थोड़ा सा दूध डालकर इसे पका लेती हूँ और फिर 2 मिनट्स के लिए ढक कर मैं उसे पकाती हूँ। आपको अगर दूध से एलर्जी हो तो आप दूध की जगह पर पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर दूध से हमारी जो मधी की खमनी है वो बाहर जैसी ही लगती है, इसलिए मैंने इसे दूध से पकाया है। अगर आपको दूध से कोई प्रॉब्लम है तो आप दूध की जगह पर पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं फिर से ढक्कन ढक कर मैं इसे 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये 2 मिनट हमारे ख़त्म हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी मधी की खमनी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मेरे सारे घर में मधी की खमनी की खुशबू आने से आप सोच नहीं सकते कि ये बाहर जैसी ही लगती है। अगर आप एक बार इसको घर में बनाओगे तो कभी भी आप बाहर से नहीं लाओगे। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। नमक हमने पहले नहीं डाला हुआ था इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। और मधी की खमनी थोड़ी सी स्वीट होती है तो इसके लिए मैं इधर 1 कप के करीब शुगर भी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम या ज़्यादा। इसे भी मिक्स करते हुए थोड़ी देर पकाएंगे। जब तक हमारी जो शुगर है वो मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक हमें पकाना है। ये बहुत जल्दी बन जाती है और ये इंस्टेंट भी है। अगर आप एक बार इसे घर पे बनाएंगे तो आप कभी भी बाहर से नहीं लाएंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी लगती है और स्वाद में तो आप मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी मज़ेदार और कितनी डिलीशियस लगती है कि आप एक बार बनाओगे ना तभी आपको पता चलेगा कि ये स्वाद में और टेस्ट में कैसी बनती है। शुगर को हमें ऊपर से मसाले में मिक्स करना है और थोड़ी देर मैं ढक कर इसे पका लेती हूँ ताकि हमारी शुगर मेल्ट हो जाए। अब मैं देख लेती हूँ कि मेरी शुगर मेल्ट हो गई है, लगभग तो हो ही गई है, पर थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं गैस का बर्तन बंद कर देती हूँ। ये इंस्टेंट मधी की खमनी है, इसमें कोई उबालने की झंझट नहीं है, कोई बॉईल करने की झंझट नहीं है, कोई भी प्रकार की झंझट नहीं है, बस सीधा हमें पकाया और सर्व कर दिया। ये हमारी अब हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करती हूँ। इसमें आपको ऑयल कम लग रहा होगा पर मैंने ऑयल का यूज़ इसमें कम ही किया है। अगर आप चाहो तो ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। ये मैं प्लेट में सर्विंग के लिए मैं रख रही हूँ और साथ में इसमें मैं छोटी वाली जो सेव आती है बेसन की वो मैं इसमें ऊपर से ऐड कर रही हूँ। इसका स्वाद इसमें बहुत ही बढ़िया आता है और साथ में मैंने इसमें 2 ग्रीन चिली भी मैंने रखी हुई है, क्योंकि ग्रीन चिली का स्वाद मधी की खमनी में बहुत ही बढ़िया आता है और टेस्ट में तो एकदम लाजवाब है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा ना, तो जल्दी जल्दी फटाफट आप भी आपके घर में इसी प्रकार की जो मैंने बताई हुई है वो आप रेसिपी बनाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। बाय बाय।